हरियाणा के पलवल में ट्रेन हादसा हुआ है। पलवल में ईएमयू ने हरिद्वार एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी है। टक्कर पलवल के नजदीक बगोला गांव में हुई और इस हादसे में ईएमयू के ड्राइवर की मौत हो गई। ये दोनों गाड़ियां दिल्ली आ रही थी। रेल हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कोहरे के चलते ये ट्रेन हादसा बताया जा रहा है। दो गाय ने एक मरकर और यहाँ पर ये दुर्घटना सुबह 8:25 पर हुई थी। ये ऑटोमेटिक टेरिटरी है हमारी ट्रेन वर्किंग की। इसमें जो आगे ट्रेन थी वो एलटीटी से हरिद्वार जा रही थी। ये एक सिग्नल पर रुकी हुई थी और एक ट्रेन पलवल से गाजियाबाद जो जाती है वो अभी चली थी पलवल से। ऑटोमेटिक टेरिटरी में गाड़ियां एक के पीछे एक चल सकती हैं, लेकिन कुछ नियम होते हैं उसको फॉलो करना होता है। और साथ ही बताते हैं कि वहां पर आगे फॉग था। फॉग में शायद ड्राइवर आगे वाली गाड़ी को नहीं देख पाया और जो नियम होते हैं शायद उसने उसको फॉलो नहीं किया और पीछे से इसने हरिद्वार वाली ट्रेन को टक्कर मारी थी, जिससे दोनों ड्राइवर इंजर्ड हुए थे और आगे वाली गाड़ी का गार्ड इंजर्ड हुआ था। अनफॉर्चुनेटली उसमें से ड्राइवर की डेथ हो गई है और हमारे जनरल मैनेजर, डीआरएम दिल्ली, सीनियर ऑफिसर साइट पर पहुंच गए हैं।